नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी या बैटरी गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करते हैं, शोरूम में जाके उसका स्पीड पूछते हैं और उसका माइलेज पूछते हैं कि एक चार्ज में कितना जाएगा, और खरीद लेते हैं। लेकिन यही जानना बहुत कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ आपको जानना है बैटरी गाड़ी खरीदने से पहले कि आपको ज्यादा दिन गाड़ी लास्टिंग करे, और इसके गाड़ी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बैटरी गाड़ी या इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेनली जो बैटरी स्कूटर होता है उनमें पांच पार्ट होता है। एक है बैटरी, जो गाड़ी का फ्यूल कहते हैं, और उसको चलाने के लिए जो घूमते हैं वो मोटर। उसके बाद आपको देखना है उसका बॉडी का क्वालिटी, उसके बाद आपका चार्जर, और उसके बाद आपका कंट्रोलर। ये पांच चीजों से एक बैटरी गाड़ी चलता है। उसके बाद सबसे जो बैटरी का फ्यूल वो ज्यादा दिन लास्टिंग करने के लिए बहुत तरीके का बैटरी गाड़ी में यूज होता है, ठीक है। एक है आपका लेड एसिड बैटरी, और दूसरा है आपका लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। ये दोनों बैटरी मेनली गाड़ी में यूज होता है। लिथियम आयन लेड एसिड बैटरी जो है, इसका ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है, एक साल मैक्सिमम, और मैं 1 से 1.5 साल। और इसका जो चार्ज कंज्यूम करने का कैपेसिटी भी बहुत कम है, उसका माइलेज भी बहुत कम होता है। और दूसरा है लिथियम आयन बैटरी, जो हर एक गाड़ी में अभी यूज हो रहा है, मैक्सिमम गाड़ी में लिथियम आयन बैटरी ही यूज होता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी सब कुछ नहीं है, इसका भी बहुत सारा क्वालिटी होता है। जैसे लिथियम आयन बैटरी का जो केमिस्ट्री होता है, कैसे वो बना है, वो उसके हिसाब से मेनली NMC, LFP और LTO तीन तरह का बैटरी अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी में यूज हो रहा है। तो आपको जाके जो शोरूम मालिक से पूछना है कि आपके गाड़ी में तो लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन ये कौन सा केमिस्ट्री का है, NMC का है, LFP का है, या LTO का है, ठीक है। तो NMC क्या है मैं आपको बता देता हूं। NMC जो है वो उसका बनावट है लिथियम निकेल, N का निकेल, M का है आपका मैंगनीज, और सी का कोबाल्ट। लिथियम निकेल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड जो है, तो ये इससे बनावट है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है, वो है 1000 से 2000 लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल क्या कितना बार ये चार्ज फुल चार्ज और फुल डिस्चार्ज होता है, एक बार आपका गाड़ी फुल बैटरी को फुल चार्ज किया, उसके बाद गाड़ी चलाने के बाद फुल डिस्चार्ज हुआ, तो ये एक लाइफ साइकिल माना जाता है। तो ये 1 से 2000 बार हो सकता है, चला सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये 6 से 7 साल तक ही चल सकता है, डेली अगर आप कुछ फुल चार्ज फुल डिस्चार्ज करेंगे तो। ये हो गया NMC बैटरी। इसके बाद जो आता है वो है LFP। LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट। लिथियम आयरन फॉस्फेट इसका जो लाइफ साइकिल है वो है 2000 प्लस, 2000 प्लस लाइफ साइकिल तक ये चल सकता है, ठीक है। इससे जो NMC से LFP बैटरी अच्छा है, क्योंकि इससे लाइफ साइकिल 1000 से 2000 है, और ये है 2000 प्लस। और लास्ट में जो है LTO, LTO का है लिथियम टाइटनेट, ठीक है, लिथियम टाइटनेट। इसका लाइफ साइकिल सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा है, इसका लाइफ साइकिल है आपका 3000 से 7000 लाइफ साइकिल तक ये चल सकता है। सबसे जो अच्छा बैटरी है वो है LTO लिथियम टाइटनेट, उसके बाद है आपका LFP, और उसके बाद है NMC, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पूछना है शोरूम में जाके कि बैटरी का केमिस्ट्री क्या है। सिर्फ लिथियम आयन होना ही बहुत जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। उससे आपको सबसे ज्यादा आपको लेड एसिड अभी लेना ही नहीं है मार्केट में, उसके बाद आपको लिथियम आयन अगर बैटरी है तो कौन सा केमिस्ट्री का है ये जानना है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर पे, ये 1 नंबर बैटरी हो गया। मोटर, मोटर 2 तरीके का आता है, एक है आपका हब मोटर और दूसरा है बेल ड्राइवन। हब मोटर कैसा होता है, चाका के साथ ही फिट होता है, पीछे के जो पहिया होता है पहिया के अंदर ही सीट रहता है, ये होता है हब मोटर। और दूसरा होता है एक बेल ड्राइवन, आपका मोटर अंदर में रहता है और ये बेल्ट से इसको घुमाता है, ठीक है, ये बेल्ट से घुमाता है। तो ये है बेल्ट ड्राइविंग मोटर। 2 तरीके के मोटर अभी ईवी में आ रहा है। तो इसके ये जो बेल्ट ड्राइविंग मोटर है, इसका जो पावर डिलीवर कैपेसिटी इस मोटर से ज्यादा है, ये बेल्ट ड्राइविंग मोटर अच्छा है। जो अभी हाई स्पीड और सबसे दामी व्हीकल है तो उसमें बेल्ट ड्राइविंग मोटर अभी आ रहा है। उसके बाद आपको पूछना है मोटर का कैपेसिटी, कितना वाट का मोटर लगा है। जो अभी लो स्पीड का मोटर है वो 250 वाट का मोटर आता है,
इसका क्या होता है, इसका जो पीक पावर है बहुत कम होता है, 250 वाट ही होता है, और आपका ये ज्यादा स्पीड नहीं दे सकता। इसका मैक्सिमम स्पीड 35-40 किमी पर आवर तक दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको पूछना है कि कौन सा, मतलब कितना वाट का मोटर है। जितना ज्यादा वाट का मोटर होगा उतना गाड़ी आपका तेजी से भागेगा, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा है। और अगर आपका जो अगर हाफ मोटर भी है, बेल ड्राइवन है, तो पूछ लेना कौन सा मोटर है, अगर बेल ड्राइवन है तो सबसे अच्छा है। तो ये हो गया मोटर के बारे में। और उसके बाद आपको पूछना है बॉडी का क्वालिटी, ठीक है। बॉडी का क्वालिटी आपको पूछना नहीं, आप खुद से देखना है कि बॉडी का क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, उसके अंदर जो मतलब लोहे का जो फ्रेम बना हुआ है कैसा है, या फाइबर जो है वो फाइबर कैसा है, वो आपको खुद से चेक कर लेना है। और जो फोर्थ पार्ट है वो है चार्जर। चार्जर तो आप देख के समझ नहीं सकते कि अच्छा है बुरा है, तो जो भी आपको गाड़ी के साथ फ्री में मिलेगा वो आपको लेना है। और कंट्रोलर, जो कंट्रोलर आप कह सकते हैं इसको गाड़ी का सीपीयू, जो कंप्यूटर में रहता है सीपीयू, इसका गाड़ी का ब्रेन, तो इस तरह के अंदर, ये गाड़ी के अंदर रहता है, ये भी आप बाहर से देख नहीं सकते, तो ये भी आपको गाड़ी के ऊपर ही छोड़ना है। उसके बाद जो मेन चीज आपको पूछना है कि ये एक चार्ज में कितना किलोमीटर, ये तो बैटरी मैट्रिक चेक करना है, एक चार्ज में कितने किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है, एक चार्ज में कितना किलोमीटर तक जाएगा। और नेक्स्ट है इसका टॉप स्पीड कितना है, टॉप स्पीड कितना है और एक चार्ज में कितना किलोमीटर जाएगा। ये हो गया मेन फंक्शन। उसके बाद आपका बैटरी है, बैटरी आपका, बैटरी में जो लिथियम बैटरी आपको बताया, इसमें दो चीज होता है, एक है बैटरी का वोल्टेज कि कितना वोल्ट का बैटरी है, और इसका एम्पियर कितना है, एएच, ठीक है, इसका बैटरी का वोल्टेज कितना है और एम्पियर कितना है। तो मैक्सिमम बैटरी जो होता है ये 48 वोल्ट का होता है, या 60 वोल्ट का होता है, या 72 वोल्ट का होता है, 48 होता है, 60 होता है और 72 वोल्ट का होता है। और जो एम्पियर होता है वो है आपका 28 एम्पियर का होता है, 35 का होता है, 55 का होता है, ठीक है, तो ऐसे 75 का होता है, ऐसे बढ़ता रहता है। तो आपको दोनों ही चीज देखना है, सिर्फ वोल्टेज नहीं, वोल्ट भी देखना है और एम्पियर भी देखना है कि कितना वोल्ट का बैटरी है, कितना एम्पियर का बैटरी है। तो ये दोनों को गुणा करके आप कितने किलोवाट का होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं बताते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर इक्वल टू किलोवाट। तो अगर आपका बैटरी 48 वोल्ट का है, ठीक है, और आपका जो एम्पियर है वो आपका अगर सपोज 35 एम्पियर का है, तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1680 वाट, इतना वाट आ रहा है, ठीक है, 1680 वाट। तो सेम अगर आपका बैटरी, अगर आप बैटरी सेम एम्पियर का है या सेम एम्पियर का है लेकिन वोल्ट ज्यादा है, सपोज ये वोल्ट हो गया 72 वोल्ट का बैटरी है और एम्पियर सपोज 35 ही है, तो इसको गुना करेंगे 72 × 35, तो ये आ रहा है 2520 वाट। तो इससे इससे ये जो है, ये जितना ज्यादा होगा वो बैटरी उतना अच्छा है, तो इस बैटरी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको दोनों को गुणा करके देखना है कि सिर्फ वोल्टेज नहीं, वोल्टेज और एम्पियर दो कितना है, आपको पूछना है कि वोल्टेज कितना है, एम्पियर कितना है, दोनों को गुणा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वाटेज निकल जाएगा, और जितना वाट ज्यादा होगा उतना आपका गाड़ी, मतलब बैटरी का जो उस डिलीवरी पावर ज्यादा होगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, माइलेज ज्यादा होगा, तो ये देखना है। और ये जितना वाट का होगा उतना चार्ज करते टाइम उतना ही करंट खर्च होगा, सपोज ये 1680 वाट है, तो इस बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए 1.6 या 1.7 यूनिट खर्च होगा, मतलब 2 यूनिट के आसपास। ये जो गाड़ी है, ये जो बैटरी है, इसको फुल चार्ज करने के लिए 2.5, ठीक है, मतलब 2.5 यूनिट बिजली खर्च होगा। तो ये है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, बैटरी गाड़ी खरीदते टाइम आपको जरूर, जो आपका शॉप ओनर है उससे पूछना है। अगर आप वो नहीं बता पा रहे तो आप खुद से उस जो गाड़ी का डिटेल से आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना है। तो इस तरीके का और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।